रौबदार और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल। कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पंचायत में कर्नल को ये कहकर जलील किया जाता है कि खुद बेटा पढ़ नहीं पाया और गांव के बड़े बूढ़ों को पढ़ाने का सपना देख रहा है। इससे क्षुब्ध होकर झंडा सिंह भरी पंचायत में खड़ा होकर घोषणा करता है कि वो 15 दिन में पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। दूसरी तरफ ममता गांव की सभी अनपढ़ स्त्रियों को इकट्ठा कर उन्हें पढ़ने के लिए राजी करती है और नारी शक्ति का प्रत्यक्ष परिचय गांव के सामने रखती है। परमानंद अपने बेटे को पत्र भेजकर बुलाता है। इसी बीच झंडा सिंह को एसटी पुलिस की कोई गुप्त चिट्ठी मिलती है जिसे भीचू नाई नमक मिर्च लगाकर पूरे गांव में फैला देता है कि झंडा सिंह ने शहर में कोई गलत काम किया है, इसलिए एसपी साहब ने उसे शहर पुलिस थाने बुलाया है। झंडा सुधा को किसी गुप्त कारण से शहर जाने की बात कहता है और अपने प्रेम का इजहार करता है, जिसकी मूक अनुमति झंडा को सुधा से मिलती है। परमानंद का डॉक्टर बेटा अपने पिता का पत्र पाकर अपनी सहयोगी डॉक्टर के साथ मिलकर गांव आने का निश्चय करता है और आगे क्या होता है देखते हैं कमाल कर्नल का के इस भाग में। ये तो जरूर बताऊंगा मैं। चौधरी साहब राम राम। वो कहां से सुबह से तुम कहां घूम रहे थे जी? वो कोई खोज खबर है कि नहीं है? खबर खबर तो ऐसी है चौधरी साहब की, क्या बताएं, हम लोगों ने जो देखा वो तो कोई कभी ना देखे। ऐसा क्या देख लिया? अरे चौधरी साहब, हमारे मोहल्ले में जहाँ औरतें खांसने के पहले खिड़कियां बंद कर लेती थी, अरे वो सबकी सब कल पढ़ने गई थी। वो तो तुमने कुछ बवेला नहीं मचाया? मचाया चौधरी साहब, बहुत बवेला मचाया। और हम लोगों ने नहीं, हमारे साथ दो तीन बुजुर्ग लोग भी हो लिए, लेकिन जवान मर्दों ने अपनी औरतों को नहीं रोका। और तो और चौधरी साहब, मैंने तो सुना है कि कुछ मर्दों ने अपनी बीवियों और बेटियों को कापी किताबें खरीद के दी हैं। वो ऐसा ना कर सके हैं। क्यों भाई क्यों? अरे भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे चौधरी साहब गांव के सरपंच हैं, और दूसरी बात ये कि अधिकतर गांव वाले चौधरी साहब के कर्जदार जो हैं। हाँ, ये बात तो है। तो हमें इस बात से खुश नहीं हो जाना चाहिए कि सारा गांव हमारा कर्जदार है, समझा? तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि पड़ोसी गांव वाले और पड़ोसी गांव के जो सरपंच है ना, उन्होंने अपने बच्चों को और बुजुर्गों को पढ़ाने का कुछ इंतजाम किया है, हैं? और उन्होंने अपने पंचायत के दफ्तर के बाहर ना वो एक वो कपड़े का क्या लगा होता है पे? क्या लगा? बोर्ड। हाँ, हाँ, वो बोर्ड लगा रखा है और उस पे लिखा है प्रौढ़ शिक्षा क्रियाक्रम। चौधरी साहब, क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। और जो भी है यार, लिखा तो है ना। तो अगर हम अपने गाँव में ऐसा नहीं करेंगे है? तो लोग उनकी तो मिसाल देंगे लेकिन हमारी मिसाल नहीं देंगे। पता नहीं चौधरी साहब, इन सारे पंचों और सरपंचों को क्या होता जा रहा है। अरे सारे के सारे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सरकार शहर में ही नहीं, वो गांव में भी कंप्यूटर लगाने की सोच रही है। अरे चौधरी साहब, ये मोटर तो सुना था, ये कंप्यूटर का होता है? ओ, कंप्यूटर, कंप्यूटर होता है वो जहाँ घर बैठे ही वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, तुम सारी दुनिया की खोज खबर मिल जाती है तेरे को। और मेरे को वो छोरी है ना, क्या नाम है? सुधा। हाँ, वो बता रही थी। अरे चौधरी साहब, ये सारा तो सरकारी अड़ंगा है। हाँ? और सुना तो यहाँ तक है कि सारी शिक्षा बाजी के लिए नोट भी मुहैया कराए जा रहे हैं। हाँ चौधरी साहब, मेरे मामू का लड़का बता रहा था कि उनके प्रदेश में तो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे और खाने की मदद दी जाती है। अच्छा, वो तो हम भी देखते हैं कि सरकार यूं रिश्वत दे के लोगों को कब तक पढ़ाएगी। बीजू बोल, क्या कोई खबर लाया? अरे खबर तो ऐसी लाया हूँ चौधरी साहब कि दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा, क्या खबर है? मैंने प्लानिंग के हिसाब से जाल फैला दिया है, आज सुधा के स्कूल में एक औरत बाल की खाल निकालेगी और सुधा से उलझ लेगी। हाँ, इसके बाद हम गांव में धमाका करेंगे कि सुधा और ममता ने गांव की औरतों को ढोर और मर्दों को गीदड़ का है। हाँ,
और इस काम के चौधरी साहब पूरे 500 रुपए दे के आया हूँ मैं। हाँ अभी क्यों, वो इससे तो बलवा होगा ना कि पढ़ाई रुकेगी। पढ़ाई भी रुकेगी चौधरी साहब, अरे जब ये कांड होगा ना फौरन मीटिंग बुला लेंगे और मीटिंग में सारा इल्जाम उस कर्नल के सिर पर लगा देंगे। हाँ हम कहेंगे कि अरे दूसरों का घर बर्बाद करने के पहले उसने अपने घर की कमजोरी वो झंडा सी उसे चुपके से शेर क्यों खसका दिया है, और वो गांव में झंडे को लेने पुलिस क्यों आई थी है। अरे वो तो गांव का कलंक है कलंक, ये सच कह रही हूँ चौधरी साहब, कर्नल साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, तुम लोग ऐसा ही करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना अपने लोग कमजोर ना पड़े। अरे बात सुनो, कल के गदर की जुगाड़ कर लो समझे। चलो चलो अपने अपने काम पे चलो, चलो ठीक, चलो ठीक। चलो देखो कर्नल साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई भी हमारी बहु बेटियों को हमारी औरतों को आके अनाप शनाप बक के चला जाए, या हमारे बालकों को स्कूल में पीटा जाए, उनके माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोला जाए। अब पानी सर से ऊपर उठ चुका, अब तक तो हम इसलिए चुप थे कि चलो कोई बात नहीं, अगर गांव की भलाई के लिए कुछ हो रहा है तो होने दो, लेकिन अब बात गांव की इज्जत पे आ गई है। चौधरी साहब, अगर ये बात सच है तो हम इस मास्टर हरिदास, सुधा और कंचन को एक मिनट भी गांव में स्कूल नहीं चलाने देंगे। देखें ये लोग कैसे चलाते हैं स्कूल। अरे तुम चुप रहो जी। सतनाम जी, जब तक असलियत का पता ना लगे गांव की बेटियों की बाबत अनाप शनाप बकना अच्छी बात नहीं है। हाँ। और मैं जानता हूँ कि इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे गांव के बच्चों को और गांव वालों को ना तो पढ़ते देखना चाहते हैं और ना उनको तरक्की करते देखना चाहते हैं, समझे। कर्नल साहब, जो भी कुछ कहना है साफ साफ कहो, मैं भी गाँव का सरपंच हूँ, मैं भी 50 बातें पूछ सकता हूँ। हाँ जरूर जरूर, और पूछनी भी चाहिए भाई, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर तुम सरपंच थे तो फिर ये गांव पिछड़ा और शिक्षित क्यों रहा, जबकि गांव को सरकार हर तरीके से मदद देती रही, पैसा कहाँ गया वो सब। कर्नल साहब, अब गांव की पढ़ाई के लिए मैं अपने खेत तो बेचने से रहा, और रही बात पढ़ाई की, उसके लिए हरिदास स्कूल में बच्चों को पढ़ाई रहा है। मास्टर, अरे ये मास्टर नहीं कसाई है कसाई, ये स्कूल नहीं कसाई खाना चला रही है, इसमें जरा भी शर्म होती ना तो उस रोज मेरे बच्चे को जानवरों की तरह नहीं पीटता। ये सरासर झूठा इल्जाम है, मैंने इसके बच्चे को कतई नहीं मारा, बल्कि वही दूसरे बच्चों को जानबूझ कर मार रहा था, और जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे ही काट लिया। हमने आज तक नहीं बताया, लेकिन आज बताता हूँ कि यहाँ पे हम तनख्वाह या रोजगार के लिए नौकरी करने नहीं आए हैं, हम भी बड़े गांव बाड़ी के करोड़पति सेठ खैराती लाल के बेटे हैं। हम ये काम कर रहे हैं तो सिर्फ मन की शांति के लिए, मानव समाज के लिए और अपने देश के हित के लिए, वरना हम चाहें तो ऐसे 4 गांव एक महीने में बसा सकते हैं। क्या तुम खैराती लाल के बेटे हो? जी हाँ, वही सेठ खैराती लाल जिसके कारण आज आप 100 एकड़ जमीन के मालिक हैं। खैर इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आज मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा मत करो हरिदास, इस गांव को छोड़कर मत जाओ, अभी तो इस गांव ने शिक्षा के पंख पूरी तरीके से खोले भी नहीं है, इन गांव के बच्चों को मझधार में छोड़कर मत जाओ। ठीक है, मैं एक ही शर्त पर रुकूंगा, यदि भीचू खुद आकर सब कुछ सच सच बता दे। दरअसल मैं चाहता नहीं था कि ये मास्टर इस गांव में रहे, अरे मैं क्या, गांव के और भी लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ स्कूल खुले, क्योंकि सब लोगों को डर था कि स्कूल खुल गया तो गांव के सारे लड़के आवारा, लड़कियां निकम्मी और औरतें बेकाबू हो जाएंगी, इसीलिए साजिश रचकर मैंने ये पाप किया। जिनके पिताजी ने मेरे पुरखों को जिंदा रखा उसके सपूत के लिए मैंने ये घोर पाप किया। तौबा तौबा, मास्टर साहब मुझे माफ कर दो, मास्टर साहब मुझे माफ कर दो, मास्टर साहब मेरे को माफ कर दो, मास्टर मेरे को माफ कर दो। अरे नहीं 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 भिचू, उठो 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 उठो, ऐसा नहीं करते। अरे
तुमने तो आज बहुत बड़ी पहल की है। तुमने अपनी गलती मान ली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलो घबराओ नहीं। देखो भाई, बीचू ने तो सच बोल के जन्नत पा ली, अब हम चाहेंगे कि हमारे मास्टर जी भी तो सच बोल दें। कहने का मतलब ये कि हमारे मास्टर जी हमारे गांव की विधवा बेटी वंदना से रोजाना शाम को क्यों मिलते हैं? मुझे नहीं मालूम था शक और पाप का भूत इंसान को इस कदर जकड़ लेता है। मैं इस मामले में और कोई सफाई नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप जो चाहो सजा मुझे दे दो। नहीं मास्टर जी, अब इनके आगे और न झुकिए। ये लोग तो पागल हो गए हैं जो देवता और इंसान में फर्क नहीं समझ रहे। ओहो, तो ये तुम्हारे देवता हैं? अरे तो इनसे कहो ना कि ये तुम्हारी जैसी विधवा का हाथ पकड़ करके समाज सेवा क्यों ना करें, हैं? अगर मेरे हाथ पकड़ने से वंदना जी को एतराज ना हो और इससे इन पर लगने वाले अगर इल्जाम रुक जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और रही बात रात को इनके यहां जाने की, तो उसका कारण तो ये था कि इस महिला ने अपने वीर पति की शहादत से मिले हुए मुआवजे के पैसों से थोड़ा हिस्सा निकालकर सिलाई सेंटर खोलना चाहा, और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं आप लोगों के सामने शपथ लेकर कहता हूं कि अगर वंदना जी चाहें तो मैं जिंदगी भर के लिए इनका साथ निभा सकता हूं। आप चाहें तो इस विधवा को अपनी बेटी की तरह विदा कर देना। मैं इसे अपना जीवन साथी मान लूंगा। शाबाश शाबाश हरिदास शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे बहुत नेक इरादे हैं बेटे, बहुत नेक इरादे। बैठो बैठो। अरे हम यहाँ अपने दुखों के पाव बांधने आए ना कि सहरा बांधने। अरे तुम्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, जरा शांत रहो। मैं ये पूछती हूँ कि ये दोनों लड़कियाँ गांव में क्या क्या तमाशे कर रही हैं? अरे कभी पूछे हैं भैंस और भैंस में स्त्रीलिंग क्या है पुल्लिंग क्या है? अरे भला बताओ, औरतें गंदी गंदी बातें पूछते हैं औरतों से। छी, तुम कुछ कहना चाहोगी सुधा? मैं तो सिर्फ मात्राएं और गिनती सिखा रही थी। तुझे तो कुछ मालूम नहीं। अरे सारे के सारे गांव में अड़ंगे फैला रही है और तुझे कुछ मालूम नहीं। अरे इससे पूछो वो कौन मर्द क्लास में बिठाया था जो शहर से आया था। बस बस बहुत हो गया है, बंद करो ये नाटक। एक तो ये लड़कियाँ पूरे गांव को अपना खून पसीना सुखा कर पढ़ा रही हैं, ऊपर से तुम लोग इन्हीं पर उंगलियां उठा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं सतनाम जी से पूछती हूँ, आपकी बेटी भी तो इतनी ही बड़ी हो गई होगी, क्या वो नहीं पढ़ रही है? अपने अहंकार के लिए इन्होंने अपना और दूसरे परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो तो भला हो इनकी पत्नी का जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, पर अपनी बेटी की पढ़ाई की जिद नहीं छोड़ी। आज ही मुझे झंडा ने बताया है कि वो 12वीं करके डॉक्टरी में दाखिला ले रही है। मैं सतनाम जी से पूछती हूँ, क्या उनको इस बात पर शर्मिंदगी है? अरे उनकी पत्नी ने तो अलग रहकर अपनी बेटी को कुछ बना लिया है। अरे तूने क्या किया? अरे अपने गोद लिए हुए बेटे को अनपढ़ बना कर रखा है। अरे सुना है कि उसके पीछे तो आजकल पुलिस घूमने करे है। आज मैं इस बात का भी जवाब दूंगी, मैंने नहीं छुड़वाई थी झंडू की पढ़ाई, तुम लोगों ने भड़काया था मुझे। और रही पुलिस की बात तो वो मैं नहीं जानती। नंदू जाओ झंडू को लेकर आओ। अरे क्यों उस बेचारे अनपढ़ को इस दलदल में घसीट रहे हो भाई है? वो तो तुम लोगों का जिंदगी भर का नौकर मिल गया ना, फ्री का नौकर। एहसान, दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। तुम्हारी लड़की सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, और अपने ऊपर होने वाले जुल्मों को वो तुम तक लिखकर नहीं भेज सकती थी। अरे तुम उस मासूम की मौत को भी भूल गए? अरे इस बात से तुम लोगों की कमजोरी तो ना छुपे है? अरे जब दूसरों को उपदेश दिया करे हो तो खुद क्यों ना अमल करते है? हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे थे। अरे तो फिर झंडा क्यों अनपढ़ रहा है? अरे वो भी कुछ पढ़ लिख लेता तो भूचाल आ जाता। दिलीप, भूचाल तो आज आएगा ही, और शायद कुदरत की यही मंशा है। झंडा भी आ गया। अरे पुलिस की हिरासत में आया, पुलिस की हिरासत में।
जरूर बहुत बड़ा कांड किया होगा उसने। प्रणाम बाबा। नमस्कार। मैं कल तक तुम लोगों के साथ में खेतों की नालियां खोलता रहा हूं, तुम लोगों से हंसी मजाक जुमलेबाजी ठट्ठे करता रहा हूं और आज भी कर सकता हूं। मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई परहेज नहीं है। वो अलग बात है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हो गया हूं, तो क्या है इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कर्नल बाबा का है। कैसे बन गया, न पढ़ा न लिखा, आप लोगों के दिमाग में ये सब प्रश्न होंगे, क्यों नंदू है ना। गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे मां और मेरे बापू को ताने दिए, पर सच बात यह है कि मेरे आदरणीय कर्नल बाबा हमेशा ये चाहते थे कि मैं पढ़ूं, पर गांव के कुछ लोग ये भी चाहते थे कि मैं ना पढ़ूं। वाकई गांव के कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेरी मां को भड़काया, क्योंकि कर्नल बाबा तो कर्नल थे, इनको तो कोई भड़का नहीं सकता। तो मां भड़क गई। मां को समझाया गया कि सुन, ये पराया बेटा है, तेरी अपनी कोख का तो है नहीं, अगर तू इसको पढ़ा देगी तो तेरी सारी जमीन और जायदाद पर ये कब्जा कर लेगा। मेरे ख्याल से मां इस बात से विचलित नहीं थी। दरअसल उसको यह भी बताया गया कि अगर तेरा लड़का पढ़ गया तो ये नौकरी करने शहर जाएगा, और शहर जाएगा तो बिछड़ जाएगा, तो तेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। हाँ, शायद मां को ये बात घर कर गई और उसने किसी ना किसी बहाने से मुझे स्कूल जाना रोकना शुरू कर दिया। बात बाबा जी के सामने आई। अब जैसा कि हर जगह होता है, बाबा जी को भी मां की बात माननी होगी, ऐसा लगा। क्यों मां, मैं गलत तो नहीं कह रहा। बाबा ने मुझे अकेले बुलाया, उन्होंने कहा कि सुनो झंडा, सारी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं। मैंने सीधी सीधी कह दिया, बाबा अगर मां नहीं चाहती है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या फायदा है मुझे पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, बात यह नहीं है जो तुम सोच रहे हो, बात यह है कि तुम्हें पढ़ना है। मैं चौंक गया, मैं मां नहीं चाहती है पढ़ना है, गांव नहीं चाहता है कि मैं पढ़ूं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। खैर, बाबा ने ये एक प्लान बनाया जो किसी को ना मालूम पड़े। उन्होंने शहर में मेरी शिक्षा का प्रबंध कर दिया और प्राइवेट फॉर्म भरवाए। उनके एक मित्र हैं प्रोफेसर बीएम शाह, मैं हर महीने उनसे नोट्स लेने के लिए और प्रश्न सॉल्व करवाने के लिए, हल करवाने के लिए जाता रहा। इस बीच में बहुत सारी बातें उठी गांव के अंदर कि ये तो हर महीने जाता है, तीन तीन चार चार दिन गायब रहता है, ये तो चोरियां करता होगा, ये तो बैंक डकैती करता होगा, ऐसी बातें आई थी। क्यों मां, आपके पास भी तो ऐसी शिकायतें आई थी, तो अब तो समझ रही है ना क्यों। तो दरअसल मैं पढ़ने जाता था और 15 वर्ष मैं अथक प्रयास करता रहा पढ़ने का, और बाबा ने कहा था कि पढ़ोगे एक शर्त पर, कि किसी को मालूम ना हो। मैं गांव वालों को और तेरी मां को दिखाना चाहता हूं कि पढ़ने से क्या बनता है इंसान, और क्या बनती है उसकी आत्मा, और क्या बनता है उसका समाज। कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप शहर आए, और गांव का कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसा कोई बुजुर्ग पढ़ना चाहता हो और सरकार से मदद लेना चाहता हो, जो कि पॉसिबल है, जो कि संभव है, छोटी छोटी चीजों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये तो वो वाली बात हो गई कि खाना खाने के बाद पानी पीना है तो पानी के लिए सरकार के पास जाए, ये कोई बात हुई। अरे ये तो हमारे लिए है, हमें पढ़ना चाहिए, और ये तो मजे की बात है कि सरकार इसके लिए सहयोग कर रही है। तो मैं कह रहा था कि कभी भी तुम लोगों को कोई भी परेशानी होती है पढ़ाई को लेकर के, तो मेरे दरवाजे शहर में हमेशा खुले हैं और खुले रहेंगे। वैसे मेरे उच्च अधिकारियों से बात हुई है कि वो जल्दी ही
मेरा ट्रांसफर यहाँ इस क्षेत्र में कर देंगे। झंडा भैया जिंदाबाद, झंडा भैया जिंदाबाद, झंडा भैया जिंदाबाद। नमस्कार। मैं भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ गांव वालों। आज मैं अपने जीवन की मेहनत, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ। कुछ समय पहले मेरे लिए कहा गया था कि मैं भगोड़ा हूं। मैंने अपने बेटे को तो शहर में रखा हुआ है और यहां गांव वालों के सामने भाषण देता हूं। मैं आज पूरी विनम्रता से उसी का उत्तर देने आपके सामने उपस्थित हुआ। मैं मेरा बेटा और उसकी दोस्त जो दोनों ही डॉक्टर, इस गांव की सेवा के लिए इन्हें समर्पित करता हूं। यही है ना वो आदमी जो लड़कियों के स्कूल में बैठा था? हाँ यही वो कमीना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे जरा शांत रहो, पहले पूछ तो लो इससे कि ये है कौन। मैं हूँ मीना, मीना हिजड़ा। हाँ मैं मीना हिजड़ा हूँ। चौंक गए ना? हाँ मैं मीना हिजड़ा हूँ। तुम लोग मुझ पर फप्तियां घस रहे होगे, गालियां बक रहे होगे, है ना? पर कर्नल साहब ने मुझको बड़े प्यार से पाला, बड़े प्यार से पोसा। उन्होंने शहर में मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आपसे बातचीत कर सकूं, आपके बीच में रह सकूं। और कर्नल साहब ने मुझे लड़कियों के स्कूल इसलिए बिठाया था क्योंकि कुछ औरतें वहां पर उपद्रव करके अशांति फैलाना चाहती थी। मैं सुधा और कंचन की रक्षा के लिए आया था और मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझसे आपकी बच्ची को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। खतरा तो इन लोगों जैसे से है जो इन लोगों के दुश्मन बने हुए हैं, इनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। इन्हें माफ कर दो मीना, ये बेचारे भोले भाले गांव के लोग किसी के बहकावे में आ गए थे, पर अब ये नहीं पढ़ना चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अरे धिक्कार है, धिक्कार है तुम लोगों पर। अब हम जैसे हिजड़े सुधर गए हैं, पढ़ने लगे हैं, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है? इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड। आई एम प्राउड ऑफ कर्नल साहब। अरे तुम लोग तो बदतर हो, हिजड़ों से भी बदतर। हमारे बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि हम अपनी जात के लिए जीते हैं, अपनी जात के लिए मर जाते हैं, पर तुम्हारा जैसा दोगला चेहरा नहीं रखते। भारत सरकार तुम लोगों की शिक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रही है ना, उसमें से थोड़ा सा भी पैसा हम जैसे हिजड़ों पे खर्च करती ना, तो हम लोग कहां से कहां होते। अरे लेकिन फिर भी है तो हिजड़ा। ओ बस कर दिलीप, बस कर, बहुत हो गया अब। कब तक हम झूठ के सहारे जिंदा रह सकते हैं? इस झूठ ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई और मैं उसे आशीर्वाद नहीं दे पाया। कर्नल साहब मुझे माफ कर दो, कर्नल साहब माफ कर दो मुझे। अरे देर सवेर चौधरी साहब ये राह पकड़नी ही है। अब हमें शिक्षा की जोत जलानी ही पड़ेगी क्योंकि भारत ज्ञान की राह में गति पकड़ चुका है। अब हमको ये जंग हर हालत में जीतनी पड़ेगी, पीछे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इस जंग में कर्नल साहब अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो फिर आइए सब मिलकर बोलिए और सब मिलकर साथ बढ़िए, भारत माता की जय। अच्छा मां खुश रहो बाबूजी। गॉड ब्लेस यू माय सन। थैंक यू बाबूजी। वाह भाई वाह सुधा, तुम बहुत परेशान करती हो यार। मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा हूं और तुम यहां घूम रही हो। और अब तो कोई समस्या नहीं है, सब सॉल्व हो गया है कोई प्रॉब्लम? झंडा तुम शहर जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें क्या लगता है कि शहर जाकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? क्या पता, शहर जाकर तो हर कोई बदल जाता है। वो भी जिसकी सोच, समझ, प्यार
परिवार सब गांव में हो वो भी भूल जाएगा। गांव की बहुत सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे सर पर आ गई हैं सुधा। एक बात का ख्याल रहे कि प्रगति का ये रथ कभी भी किसी भी मोड़ पर रुकना नहीं चाहिए। शिक्षा और विकास का ये पौधा तुम्हारे हाथों से सुधा पनपना चाहिए, एक वट वृक्ष का रूप लेना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। और मेरी इच्छा है कि हमारा ये गांव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साक्षर गांव कहलाए और हमारे गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हो जिस पर लिखा हो कि सावधान, यहां का हर नागरिक साक्षर है। नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना बिल्कुल नहीं। देखो नौकरी करनी है, शहर जाना ही है। नहीं अब मुझे जाना है, हमें जाना। ओके नहीं उदास नहीं होते, और कभी याद आए तो चिट्ठी लिख देना, मैं भी लिखूंगा तुमको। ओके बाय। बाय। दार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।